फाइनली अब मैं आ गई हूँ लाइब्रेरी। और गाइस बोलो को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, बस किसी 8:15 को उसका स्कोर लगता है। 8:15 पर मैंने उससे 8:27 पर गेट एंट्री करवाया है और मैं तो अंदर नहीं गई क्योंकि मैम भी मुझे भी डांटती। मैम बोलती हैं कि जब गार्जियन ऐसा करेगा तो बच्चे कहाँ टाइम पर पहुँचेंगे, तो ये चीज़ें सही है बट इसीलिए मैं अंदर नहीं गई। और वो तो बहुत ही निराश होकर के जा रहा था। गाइस मेरी गलती, मुझे इवनिंग में आना चाहिए, बच्चे सुबह सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते हैं। घर से आना भी, ऊपर से फिर दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ से तैयार होना, स्कूल जाना, इन सब के लिए या तो पर्याप्त टाइम हो तो टाइम भी नहीं रहता है क्योंकि 7:30 बजे मैं घर से ही निकली थी। तो मैं सोची कि अब मैं रूम पर नहीं जाती हूँ, मतलब रूम पर गई थी मैं, वापस अब नहीं जाती हूँ। गोलू को छोड़ने आई थी, रही मेरा लाइब्रेरी है या मैं इधर में 5 से 6 घंटे कुछ पढ़ी भी नहीं हूँ, तो आज मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ फिर जाती हूँ। वैसे भी अगर जाऊँगी तो 1.5 घंटे टाइम वेस्ट ही होगा, तो अब मैं नहीं जाती हूँ। घर आ गए थे, मेरा महीना 1 तारीख को पूर्ण होता है तो सर बोल रहे थे, लेकिन अभी 8:28 होगा। उसी दिन इवनिंग में भाई भी आया था और मतलब गट्टा वगैरह देने आया था, क्योंकि हम लोगों में मेला का गट्टा दिया जाता है लड़कियों को जिसकी शादी हो जाती है उसके ससुराल, तो इसीलिए आया था। यहाँ मामा और भांजे की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब गोलू को अच्छे लगते हैं मामा पापा। छोटे बच्चे बड़ों से बहुत ही प्यार करते हैं। इनका बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन मैं बोल रही थी आप जाओ क्योंकि मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी वहाँ। भाई को भी अच्छा लग रहा था बट जहाँ रुकना नहीं, मैंने कहा था फिर रुक जाओ बट भाई का मन नहीं था रुकने का। तो चलिए अब जाने की तैयारी हो गई है, हमें लग रहा है कि कुछ देना चाह रहा है भाई, और दिया भी था वो मैंने सूट नहीं किया। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति मोटिवेशन वाले। तो गाइस अभी हो रहा है वो आप लोग देख सकते हो, 1:15 हो रहे हैं। और गाइस आज मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड को जाना था अपने ड्यूटी पर, तो और इस चक्कर में मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई, यानी कि मैं मॉर्निंग से कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि वैसे मैं चली जाती थी तो वो अपना खाते पीते थे, रूम पर रहते थे, बट मैं नहीं गई क्योंकि मैंने सोचा कि आज मतलब कोई जाने वाला है तो कुछ मतलब खाने में भी कुछ एक्स्ट्रा बनाना था। मैंने सोचा कि एक दो डिश और बना करके खिला दूँ, तो इस चक्कर में खाना भी कुछ लंबा हो गया और इसलिए मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई। और मेरे हस्बैंड तो अब जा चुके हैं, इसके पिक मैं यहाँ लगा दूँगी। और गाइस फिर मैं मोबाइल वगैरह चला रही थी, फिर मतलब गोलू की तबीयत कल शाम से ही ख़राब है, उसको रात में फीवर आ गया। मेरी भी गलती, मैंने 1-2 दिन फ़ैन भी चला दिया क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो मुझे फ़ैन नहीं चलाना चाहिए। अब मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है गाइस, मतलब बच्चों को ना आप चाहे जितना बचाओ बट हो ही जाता है वो चीज़। फिर भी मैं केयर करती हूँ, मतलब सॉक्स वगैरह पहनाए रहती हूँ, कपड़ा भी पहनाए रहती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे उसको मतलब ठंडी लग गई, मैं इसलिए फीवर आ गया तेज़। तो गाइस उसकी तबीयत तो रात से ही, शाम से ही ख़राब थी, बट मैंने पिछली बार जो दवा लाई थी तो उस दवा में से ऐसे ही था, तो बस 1-2 खुराक खिलाया था, उसमें से पूरी दवा रखी थी मैंने उससे दिया था, मतलब शाम को खिलाया था पैरासीटामॉल 1/2 टेबलेट। और आज तो मैंने वही दवा, मतलब मिक्स था वो दवा, खिला करके स्कूल भेज दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब गैप हो, और सो मैंने भेज दिया। तो गाइस अभी स्कूल से भी फ़ोन आया था कि आपके बच्चे को फीवर है, तो अभी मैं लेने जा रही हूँ। और गाइस टाइम भी हो रहा है, देखिए 1:15 हो रहे हैं और 1:50 पर छुट्टी हो जाएगी। मुझे लगता है कि मुझे जाने में भी 10 मिनट लग जाएगा, तब तक छुट्टी का भी टाइम हो जाएगा बट। और गाइस अब हम लोग इवनिंग में आ गए हैं दवा लेने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चों के प्रति मैं कोई लापरवाही करूं, और बच्चों को स्कूल जाना रहता, कोचिंग जाना रहता, पढ़ाई भी करनी रहती है। जब उनकी तबीयत डिस्टर्ब होती है ना तो मतलब शरीर के लिए भी हानि होती है बट वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, स्कूल कोचिंग ये सारी चीज़ें। तो मैं तुरंत लाती हूँ डॉक्टर को दिखाने, और ये हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं गाइस। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, लोग भी आयुर्वेदिक दवा ही लिया करो, आयुर्वेदिक दवा की कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, और ऊपर से हमारी किडनी और लीवर और स्टोमच मतलब इन सब में भी कोई हार्मफुल नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ
मतलब कपड़े की भी मार्केट है, थोड़ा अंदर आना पड़ता है, जो लोकल होंगे उनको पता हो। फाइनली हम लोग दवा लेकर के आ गए हैं। गोलू क्या क्या लाए हैं? गोलू इतना सारा सामान लाए हैं, लेकिन गोलू को पहुंचते पहुंचते बिल्कुल फीवर आने लगा है ना गोलू, फीवर चढ़ने लगा है। ये देखिए गोलू कितना सारा सामान लेकर आए हो। हाँ, खोल करके ये है। तो गाइज ये है, ये आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेदिक दवा वो लोग कंप्लीट करके देते हैं, पूरा पुड़िया उड़िया बना करके, एक पुड़िया एक साथ देना है। तो चलिए फटाफट, वैसे गोलू दवा खाना जल्दी खाता नहीं है, सिरप वगैरह पी लेता है, बट अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो डॉक्टर दवा ही दे देते हैं। तो आयुर्वेदिक दवा है, कोई नुकसान नहीं करता है। चलिए फटाफट इसको दे देते हैं पानी गर्म करके। तो गाइज़ ये है अर्ली मॉर्निंग, और मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी अपने बच्चों को न्यूट्रिशन से भरपूर, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, इन सबसे भरपूर नाश्ता दो। तो चलिए गाइज़ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।